समझदार गुणवान लड़की थी। उसकी शादी बिरजू नाम के लड़के से हो जाती है जो कि बहुत ही गरीब पर मेहनती था। उसकी माँ रानी और पिता राजा राम अपनी बहू को बहुत मानते थे। उनके घर की हालात इतनी ज्यादा खराब थी कि कभी कभी उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। वो लोग भूखे पेट ही सो जाते थे। नई बहू निधि को घर में हो रही इस आर्थिक तंगी से निपटने और पारिवारिक मुश्किलें कम करने के लिए एक उपाय सोचता है जिसे वो अपनी सास को बताती है। माँ जी, घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। बहू, मैं सब समझ रही हूँ कि तू क्या कहना चाहती है, पर हम औरतें कर भी क्या सकती हैं। हाँ माँ जी, अगर हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। पर बहू, हमें क्या जरूरत है, मेरा लाल कर तो रहा है इतनी मेहनत। अरे माँ जी, उनकी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारे घर का गुजारा नहीं चल रहा है, तो क्यों ना हम ही कोई काम कर लें। तो क्या करें? गाजर की खेती कर लेंगे माँ जी। ये तो बहुत ही बढ़िया सोचा है तूने। बहू सुन, कल से शुरू करते हैं हम इसकी खेतियाँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप नहीं सिर्फ मैं। निधि गाजर की खेती करना शुरू कर देती है। समय बीतता जाता है, उसके अथक प्रयास और कड़ी मेहनत रंग लाती है। कुछ ही दिनों में उसके खेत में गाजर की बहुत अच्छी पैदावार होती है। वो उन गाजरों को बेचने के लिए घर के बाहर कट्टे बिछाकर बैठ जाती है। कुछ दिनों तक तो गाजर बेचने का कार्यक्रम अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की गाजर को लेकर मांग कम हो जाती है और लोग ज्यादा से ज्यादा गाजर का हलवा पसंद करने लगते हैं और सामने लगी गाजर के हलवे की दुकान पर भीड़ लगा लेते हैं। निधि को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वो फिर से कोई उपाय ढूंढती है। माँ जी, क्यों ना हम गाजर का हलवा बनाना शुरू कर दें और फिर उसे बेचें। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी बिक्री होगी। पर बहू, गाजर के हलवे के लिए तो कितना महंगा सामान लगता है। तभी वहाँ बिरजू आ जाता है। माँ, निधि, तुम लोग चिंता बिल्कुल मत करो। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने ऐसे ही बुरे समय के लिए बचा कर रखे थे। अगर ये पैसे किसी बुरे समय के लिए संभाल के रखे हैं तो रहने दीजिए, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है निधि, ये पैसे लो और अपने काम में लगाओ, क्योंकि हमारे हालात अभी भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। जी ठीक है फिर। निधि उन एक बड़े से तसले में गाजर का हलवा बनाने लगती है। गाजर की खुशबू ग्राहकों तक पहुंच जाती और वो अपने आप ही निधि की दुकान तक खींचे चले आते। उसने एक रेडी लगा ली थी। ग्राहक उसके हाथ का बना गाजर का हलवा खाकर उसके फैन बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही उसकी रेडी के पास करीब 500 से भी ज्यादा लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते। उसका गाजर का हलवा पूरे शहर में फेमस हो जाता है और उसके घर के हालात भी सुधरने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन। ए जी, ओ जी, सुनिए जी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखिए, आज मैं आप सबके लिए पिज्जा लेके आई हूँ। आज हम सब मिलकर पार्टी करते हैं क्योंकि आज बहुत अच्छी सेल हुई है। मेरी प्यारी सी बहू कितनी ज्यादा समझदार है। माँ जी, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ए जी, ओ जी, आपको क्या हुआ, आप भी बैठिए ना। हाँ हाँ, बैठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। निधि को इतने पैसे कमाते देख उसकी पति बिरजू को उससे जलन होने लग जाती है और वो उससे नफरत करने लगता है। धीरे धीरे उसके मन में अपनी पत्नी के लिए द्वेष की भावना जागने लगती है। इसी तरह बिरजू खूब मेहनत करने लग जाता और रात में भी कोई काम ढूंढ लेता, लेकिन फिर भी वो निधि जितना नहीं कमा पाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बिरजू की जलन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन। निधि, यहाँ आओ। अजी, क्या हो गया? अभी आती हूँ काम करके। अब से तुम अपना ये काम बंद कर दो। आज से तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ घर संभालना। हाँ, पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, समझ गई? अब से ये सारा काम संभालने का जिम्मा मेरे दोस्त का। पर ऐसा क्यों? हमें इसकी जरूरत ही क्या है? मुझसे जबान लड़ाती हो? समझ में आए या और समझाऊं? पर मैंने किया ही क्या है? बिरजू अपनी जलन के चलते निधि का काम छुड़वा देता है और उस जगह अपने दोस्त सुनील को बैठा देता है, जो कि उसकी तरक्की से बहुत जलता था। निधि बेचारी
घर का काम करने में लग जाती। ये सब देखकर उसके सास ससुर को दुख तो होता, पर अपने बेटे के आगे उनकी एक नहीं चलती। कुछ दिन बीत जाते हैं, गाजर के हलवे की बिक्री कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से उनके घर के हालात बद से बदतर होने लगते हैं। निधि को ये सब देख बहुत दुख पहुंचता, पर वो अपने पति को कुछ नहीं कह पाती। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि बिरजू के दोस्त सुनील ने गाजर के हलवे में खोए और ड्राई फ्रूट्स की मात्रा कम कर दी है, जिसकी वजह से उसकी बिक्री कम हो गई है। वो ये बात अपने पति को बताती है। अजय सुनिए। क्या है, जल्दी बोलो, तुम्हारी बकवास सुन। खोए और ड्राई फ्रूट की मात्रा कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी बिक्री होना कम हो गया है और हमारे घर के हालात वापस से बुरे होते जा रहे हैं। बिरजू को लगता है कि निधि अपने काम को ऊंचा दिखाने के लिए सुनील के बारे में झूठ कह रही है। अरे अब तुम मुझे समझाओगी क्या सही है और क्या नहीं? मैं अपने दोस्त को अच्छे से जानता हूँ और तुझे भी। निकल जा मेरे घर से। अपने पति की खरी खोटी सुनने के कारण निधि रोते रोते घर से दूर एक महिला आश्रम में चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बिरजू की पुरुषवादी मानसिकता के कारण उसका परिवार गरीबी के दलदल में जकड़ जाता है। दिन बीतते जाते हैं, अपने घर की बुरी हालत देख उसे सुनील पर शक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो उसे चोरी छुपे हलवे में मिलावट करते देख लेता है और उसे वहाँ से भगा देता। जब वो घर के अंदर पहुँच अपने परिवार वालों को ये सब बताता है, तो उसकी माँ बोल पड़ती है, हे भगवान, ना जाने कौन से पाप किए थे जो तेरे जैसा नलायक बेटा मिला मुझे। बहू ने ना जाने इस घर के लिए क्या क्या किया, और तूने, अरे तूने उसे बेरहमी से निकाल दिया। तू मेरी नजरों से दूर हो जा बस। माँ मुझे माफ कर दो, जलन के कारण मैं अंधा हो गया था। अरे बेशरम, आँखों में जरा सी भी शरम बाकी है ना, तो जा जाके बहू को मना कर घर वापस ले आ। बिरजू उसे ढूंढने लग जाता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। एक दिन वो महिला आश्रम के बाहर रोड क्रॉस कर रहा होता है कि तभी एक गाड़ी उसके आगे आ जाती है, लेकिन उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़ खींच कर उसे बचा लेती है। तुम यहाँ? अरे कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। जी मैं तो वही थी, बस आप ही दूर चले गए थे मुझसे। मुझे माफ कर दो निधि, मुझे सब समझ आ गया है, तुम सही थी, प्लीज मान जाओ और घर चलो। बिरजू उससे गिड़गिड़ाते हुए बहुत माफी मांगता है। निधि अपने पति को अपनी गलती का पछतावा करते देख माफ कर देती है। दोनों ही घर लौटते हैं, जहां उसके सास ससुर अपनी गाजर वाली बहू का स्वागत करते हैं। पूरा परिवार फिर से अपनी गाजर की खेती और स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाने के काम में जुट जाता है, जिसके कारण उनका परिवार समृद्धि करने लगता है। साथ ही उनकी बहू के हाथ का बना गाजर का हलवा वर्ल्ड फेमस हो जाता है। तो देखा दोस्तों, कैसे हमारी गाजर वाली बहू ने अपने स्वाद और सूझबूझ से सबका दिल जीत लिया। आपके आसपास भी ऐसे ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाने वाली बहू है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या